ओनली 4 लाख पे आप काफी बड़ा गाड़ी लेके जा सकते हैं। अगर 1-1.5 लाख आपके पास है, अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप मुर्गी का, तो आके ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी अदर कमर्शियल पर्पज के लिए आप ले सकते हैं। कोई भी छोटे मोटे आपका राशन दुकान है, वहाँ का बिजनेस के लिए अगर आपको गाड़ी चाहिए तो काफी अफोर्डेबल प्राइस पे है और काफी अच्छे कंडीशन भी है। हम लोग को 1 लाख चाहिए फिक्स विदाउट पेपर्स। 1 लाख फिक्स विदाउट पेपर। ये हम लोग को 55,000 फिक्स चाहिए विदाउट पेपर्स। 55,000 फिक्स विदाउट पेपर्स। 135 ऑल डॉक्यूमेंट अपडेट है ना, करके दे देंगे। ऑल डॉक्यूमेंट अपडेट है और रिफाइनेंस हो जाएगा ये गाड़ी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेके आया हूँ अखोम ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो की है सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल, कॉमर्शियल यूज्ड व्हीकल का शोरूम। यहाँ का एग्जैक्ट एड्रेस होगा आपका बिहारबाड़ी लाल माटी, NH 37 के पास में, एकदम बगल में है। और पास का लैंडमार्क होगा आपका ओडी मोटर्स, ओडी शोरूम का जस्ट बगल में है ये। बाकी आपका एड्रेस आपको मिल जाएगा गूगल मैप का, लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप देख के आ सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे एड्रेस एंड भैया का नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप भैया को कॉन्टेक्ट करके भी इधर आ सकते हैं। और एक्सचेंज एंड फाइनेंस फैसिलिटीज सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक्सचेंज आप अपना पुराना गाड़ी लेके, ये टाटा मोटर्स के डीलर है एग्जैक्ट, मतलब वहीं से सेकेंड हैंड रिलेटेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पुराना अपना गाड़ी लाके आप नया गाड़ी भी लेके जा सकते हैं टाटा मोटर से। जैसे योद्धा हो गया, ट्रक हो गया, डंपर, कोई भी गाड़ी आपको नया में चाहिए तो आप अपना पुराना गाड़ी लेके आइए, आप इधर से एक्सचेंज कर सकते हैं और अपना पुराना गाड़ी लाके यहाँ पे अच्छा खासा कंडीशन देख के अच्छा खासा सेकेंड हैंड गाड़ी भी आप लेके जा सकते हैं। बाकी फाइनेंस 10 साल से नीचे का गाड़ी का होगा, उससे बाद का गाड़ी का नहीं होगा। बाकी आपका सिविल स्कोर भी डिपेंड करता है, तो एड्रेस आपको पता चल गया, एक्सचेंज एंड फाइनेंस सभी आपको पता चल गया। बाकी काफ़ी अच्छा अच्छा गाड़ी है, काफ़ी सारे भाई लोग ने डिमांड किया था कि काफ़ी बड़ा गाड़ी दिखाई, तो एक आपको मिलेगा 1109 महिंद्रा बुलेरो DI पिकअप टाटा का। बाकी काफ़ी अच्छा अच्छा गाड़ी है, देख सकते हैं आप, ये एक राउंड व्यू, काफ़ी अच्छा अच्छा गाड़ी है, तो जो आपका बजट में आए। और मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपका गाड़ी का रिलेटेड, बाकी आप अपना मैकेनिक को लाके अच्छे से चेक करके वेरीफाई करके, जब आपको लगे कि हाँ गाड़ी का कंडीशन वाकई में अच्छा है तो आप लेके जा सकते हैं। बाकी चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बड़ा और काफ़ी हेवी व्हीकल देख सकते हैं आपके आंखों के आगे, काफ़ी बड़ा है, मतलब अगर आपका काफ़ी लॉन्ग टूर वाला प्रपोज का बिजनेस है, काफ़ी गुड कैरिज का, तो आप ये गाड़ी आके ले सकते हैं। देखिए बाकी काफ़ी अच्छा कंडीशन है, जो कि आपके आंखों के आगे डिपेंड करता है आपको कैसा लगता है कंडीशन। जो भी थोड़ा बहुत काम है भैया वो करके देंगे ना आप, छोटा मोटा जो माइनर चीज़ है डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर में, प्राइस के ऊपर देता है। हाँ, तो काफ़ी रीजनेबल रेट पे आपको मिलेगा ये गाड़ी यहाँ पे, काफ़ी रीजनेबल रेट जो मैं बोल रहा हूँ आपको, काफ़ी बड़ा गाड़ी होने के बावजूद काफ़ी कम प्राइस पे आपको मिल रहा है। बाकी कंडीशन आपके आंखों के आगे है, तो भैया एग्जैक्ट मॉडल क्या होगा ये? 2011 का है, 1109 EX BS3। हाँ, तो कब का होगा भैया ये? 2010 का, 16 फुटी है। 16 फुटी इसका लेंथ है, 2010 का मॉडल है। फाइनेंस होगा कि नहीं भैया? फाइनेंस नहीं होगा, ये फाइनेंस नहीं होगा, आपको कैश पे लेना होगा। बाकी आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको NOC मिल जाएगा। आस्किंग बोल दीजिए भैया, ये हम लोग 4 लाख बोल रहे हैं। 4 लाख ओनली 4 लाख पे आप काफी बड़ा गाड़ी लेके जा सकते हैं, जो कि नेगोशिएबल हो जाएगा रेट, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लेने आएंगे। वीडियो के थ्रू आते हैं तो थोड़ा बहुत आपको नेगोशिएशन मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी देख सकते हैं कंडीशन आपके आंखों के आगे है, बाकी टायर का कंडीशन देख लीजिए आप, काफी बड़ा है, यहाँ अंदर कैरिज भी देख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट लेके चलते हैं आपको। तो फिर अगला गाड़ी है हम लोग के पास महिंद्रा बुलेरो, काफी डिमांडेड है, काफी सारे भाई लोग कमेंट भी करते हैं। और बाकी देख सकते हैं कैरिज का, आफ्टर मार्केट का सभी काम क्या है, क्योंकि यूज्ड व्हीकल है तो एवरी आफ्टर मार्केट वाला काम हो गया है। तो अगर कोई मुर्गी वाला बिजनेस करता है उसके लिए काफी एकदम ऑल रेडी गाड़ी है, बस लेके जाओ और अपना इनकम स्टार्ट करो, अपना काम, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इसका थोड़ा डिटेल ले लेते हैं भैया से, तो भैया ये कब का गाड़ी है और क्या आस्किंग रहेगा? 2015 का है। 2015 का गाड़ी है, आस्किंग द प्राइस है 350। 350 फाइनेंस हो जाएगा ये? हाँ हो जाएगा, फाइनेंस हो जाएगा। तो फाइनेंस में इसका आस्किंग बोला 350, फाइनेंस में कम से कम कितना देना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए वही 1.5 लाख। 1.5 लाख अगर 1.5 लाख आपके पास है, अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप मुर्गी का, तो आके ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी अदर कमर्शियल पर्पज के लिए आप ले सकते हैं 350। तो चलिए अगले गाड़ी को वहाँ लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाटा एस जीप, देख सकते हैं काफी छोटा सा, काफी क्यूट सा, छोटा मोटा, अगर आप कोई भी छोटे मोटे आपका राशन दुकान है वहाँ का बिजनेस के लिए अगर आपको गाड़ी चाहिए तो काफी अफोर्डेबल प्राइस पे है और काफी अच्छे कंडीशन भी है। बाकी कंडीशन आपके आंखों के आगे है, तो इसका डिटेल जान लेते भैया कब का है ये? ये 2014 का है, गाड़ी छोटी है लेकिन बहुत जानदार गाड़ी है, बहुत जानदार गाड़ी, टाटा का है तो काफी मजबूत सब में चल जाता है इसमें एकदम आराम से, 2 टन 3 माल लेकर आराम से जाता है, 2-3 टन अगर आपको माल लेना है तो आप आराम से लेके जा सकते हैं। हिली एरिया पे भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। तो इसका कितना होगा आस्किंग भैया? इसका पेपर्स वगैरह फेल हो
रखा है हाँ। तो बाहर में मारने से मिल जाएगा एकदम पेपर। हम लोग को विदाउट पेपर चाहिए 60,000 विदाउट पेपर, मतलब मात्र 60,000 जो कि है नेगोशिएबल। अगर कोई लेने आएगा तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कब का होगा भैया ये? 14 का है, 2014 का। बाकी कंडीशन आपके आंखों के आगे, तो चलिए अगले गाड़ी की ओर चलते हैं। तो अगला गाड़ी फिर से हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे सभी गाड़ी मैक्सिमम डिमांडेड गाड़ी देख सकते हैं आप, काफी अच्छे अच्छे गाड़ी रखे हैं भैया। और ये गाड़ी का काफी अच्छा कंडीशन दिख रहा है मेरे को, तो बाकी आप डिसाइड कीजिएगा। बाकी इसका थोड़ा सा नहीं पूरा डिटेल ले लेते भैया से। तो कब का है भैया ये? ये 2017 का है। 2017 का AC मेगा। इसमें पेपर्स वगैरह काम है, तो विदाउट पेपर्स हम लोग 2 लाख चाहिए। फाइनेंस हो जाएगा ये? पेपर्स में पकड़ लीजिए 40,000 से 50,000 खर्चा आएगा। फाइनेंस हो जाएगा तो फाइनेंस में चाहिए और कैश में चाहिए जो भी, और अदर स्टेट से जो आता है उसके NOC मिल जाएगा। मिल जाएगा आसाम के बाहर से जो आएगा मिल जाएगा। आसाम से बाहर से जो आएगा उसको फाइनेंस नहीं होगा, आसाम से अंदर में जो है उसको फाइनेंस इजीली मिल जाएगा। बाकी बाहर से आप आते हैं तो आपको NOC प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे डीलर के यहाँ पे, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना, आपको NOC मिल जाएगा इजिली। बाकी आप डिपेंड करते हैं कौन सा गाड़ी आप आके लेंगे। तो नेक्स्ट लेके चलते, तो नेक्स्ट दिखाना चाहेंगे हम आपको टाटा का S Mega। काफी डिमांड है ये भी गाड़ी का और काफी अच्छा कैरिज। और बाकी इसका डिटेल हम भैया से फटाफट ले लेते हैं। तो भैया ये कब का होगा? 2017 का है, रिफाइनेंस भी हो जाएगा। इसका प्राइस हम लोग 230 मांग रहे हैं। 230 आस्किंग है, नेगोशिएबल हो जाएगा 230, फाइनेंस भी हो जाएगा। ऑल पेपर अपडेटेड मिलेगा आपको। बाकी कंडीशन देख लीजिए आप काफी अच्छे से, और टायर का कंडीशन भी देख सकते हैं काफी अच्छा कंडीशन है। तो चलिए आपको अब लेके चलते हैं अगले गाड़ी। अगला गाड़ी है ये है आपका, ये भी टाटा का SHT देख सकते हैं कंडीशन काफी अच्छे से। तो इसका डिटेल लेते भैया कब का होगा ये? 2014 का गाड़ी है। पेपर्स वगैरह इसका फेल है, पेपर फेल है। हाँ, तो विदाउट पेपर्स में हम लोग इसको 75,000 फिक्स में दे देंगे। 75,000 फिक्स। और भैया अगर इन केस कोई बोलेगा कि अगर आप डॉक्यूमेंट बनाने का जो भी खर्चा आएगा लीगल खर्चा हम लोग, तो ऐसे एस्टिमेटेड खर्चा बोल दीजिए कि लगभग कितना आ जाता है? 40 से 50 का भीतर है। 40 से 50 का भीतर, और बिना डॉक्यूमेंट का आप 75 में छोड़ देगा, फिक्स है, फाइनेंस हो जाएगा। बाकी कंडीशन आपके आंखों के आगे है, डिपेंड करता है, आप देख लीजिए अच्छे से। मैं बस दिखा दूंगा आपको और इन्फॉर्मेशन बोल दूंगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेना है नहीं है, कंडीशन आपके आंखों के आगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट। अगला दिखाने जा रहे हैं हम आपको बेबी एलिफेंट, जो कि हम लोग के भाषा में बोलते हैं कि हम लोग छोटा हाथी। काफी मजबूत गाड़ी है ये, एग्जैक्ट होगा ये टाटा एसी। बाकी देख सकते हैं कंडीशन आपके आंखों के आगे है, तो थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं इसका भैया के साथ। तो कब का होगा ये भैया? ये 2012 का है। 2012 का ये हम लोग को 1 लाख चाहिए फिक्स विदाउट पेपर्स। 1 लाख फिक्स विदाउट पेपर, पेपर का अराउंड 50,000 एस्टिमेटेड खर्चा है, कम भी हो सकता है। बाकी आप भैया का आके कॉन्टेक्ट कीजिए, बाकी फाइनेंस हो जाएगा ये गाड़ी भी, हो जाएगी गाड़ी भी, ये गाड़ी भी फाइनेंस हो जाएगा। बाकी कंडीशन देख लीजिए काफी अच्छे से। तो अगले गाड़ी की ओर लेके चलते हैं आपको, फिर से लेके चलते हैं आपको छोटा हाथी करीब। ये व्हाइट वेरियंट पे आपको दिखाया था, अब दिखा रहे हैं आपको ये कौन सा कलर बोलेगा इसको भैया? क्रीम कलर देख सकते हैं। बाकी कंडीशन आपके आंखों के आगे, तो देख सकते हैं सिवा का नाम पे शुरू करते हैं और इसका पूछते हैं डिटेल भैया से, कब का है भैया ये? ये 2009 का गाड़ी है। 2009 का गाड़ी है ये। हम लोग को 55,000 फिक्स चाहिए विदाउट पेपर्स। 55,000 फिक्स विदाउट पेपर्स, विद पेपर्स 1,05,000 आप पकड़ सकते हैं जो कि नेगोशिएबल। और भैया ये क्या मतलब फाइनेंस हो जाएगा ना? नहीं होगा ये गाड़ी आपका फाइनेंस नहीं होगा, देख सकते हैं, क्योंकि काफी गाड़ी पे डिपेंड करता है कि गाड़ी फाइनेंस होगा कि नहीं। 2009 का गाड़ी है, तो मतलब कौन सा साल, मतलब कितना साल तक का गाड़ी फाइनेंस हो जाता भैया? ऐसे मिनिमम तो 13-14 चाहिए ही। 13-14 चाहिए, मतलब 10 साल का भीतर का गाड़ी फाइनेंस, 7 साल के भीतर का फाइनेंस बढ़िया से होता है। उसका नीचे का गाड़ी का फाइनेंस होता है कस्टमर प्रोफाइल देख के, प्रोफाइल देख के होता है। तो बाकी आपका प्रोफाइल क्या कितना अच्छा है वो डिपेंड करता है। तो चलिए अगले गाड़ी की ओर आपको लेके चलते हैं। अगला हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो है टाटा का DI। काफी डिमांडेबल गाड़ी है ये, काफी लोग कॉमर्शियल पर्पज बिजनेस पर्पज के लिए काफी यूज करते हैं। बाकी 3.0 3000 cc का गाड़ी है ना भैया ये? बाकी कंडीशन जैसे मैंने बोला था कि धूल के कारण काफी गंदा दिख रहा है, तो वॉश होने के बाद काफी लगभग अच्छा दिखता है कंडीशन। बाकी कंडीशन आपके आंखों के आगे ही है, तो इसका डिटेल ले लेते हैं भैया से, कब का है और कितना आस्किंग है? ये 2011 का है, 2007 DI, बहुत ही मजबूत व्हीकल है ये। हाँ। जो कि अभी बंद हो चुका है, आजकल तो योद्धा निकल गया है, लेकिन ये बहुत डिमांडेबल गाड़ी है। हाँ। तो बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैकेनिकल ओके है, खाली बॉडी का थोड़ा रंग वगैरह काम है इसमें, रंग का काम। ये हम लोग विदाउट पेपर्स मांग रहे हैं 150। पेपर्स में खास खर्चा नहीं है, थोड़ा सा खर्चा है। डेंटिंग पेंटिंग का थोड़ा सा काम है इसमें, मतलब 2 लाख में गाड़ी इसका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इंजन सील है, इंजन सील है, और मीटर कुछ टेम्परिंग है ना, तो नहीं है ना। कमर्शियल में ये बोलना मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन ठीक है, क्योंकि कमर्शियल पर्पज के लिए लिया है तो काफी अच्छा खासा रनिंग कर ही लेते हैं आप लोग। तो देख सकते हैं बाकी कंडीशन आपके आंखों के, और कोई भी डाउट है आपको तो भैया का नंबर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा विद एड्रेस एंड नंबर, तो कोई भी डाउट है आपको इधर का तो भैया को फोन करके आप पूछ सकते हैं।
तो नेक्स्ट गाड़ी आपको लेके चलते हैं। अगला गाड़ी हम आपको दिखाने जा रहे हैं एसी जीप टाटा का, बाकी इसका डिटेल ले लेते भैया से। तो कब का होगा भाई ये? 2011 का है ये। हाँ, इसका पेपर्स वगैरह फेल है। फेल। पेपर्स में मोटा मोटी खर्चा पकड़ लीजिए 40 से 50 हज़ार। 40 से 50। ये हम लोग को चाहिए 55,000। 55,000 ओनली फिक्स्ड। फाइनेंस हो जाएगा? फाइनेंस हो जाएगा, डिपेंड ऑन कस्टमर। डिपेंड ऑन कस्टमर मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट्स विद प्रॉपर होना चाहिए। पहले तो आप आसाम से बिलोंग करना होना चाहिए, तब प्रॉपर डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपका सिविल स्कोर देखा जाएगा। अगर सब कंडीशन मीट करता है भैया के अनुसार तो आपको इजीली फाइनेंस भी मिल जाएगा। तो कब का होगा ये बोला? 11 का है, 2011 का। बाकी कंडीशन आपके आंखों के आगे है। तो अगले गाड़ी और तो फिर से अगला है टाटा एस जीप। काफी कलेक्शन है भैया के पास, कलर वेरिएंट भी है। सेकेंड हैंड होने के बाद भी काफी वेरिएंट रखा है भैया ने कलर का, और प्राइस भी वेरिएशन मिल जाएगा। बाकी कंडीशन देख सकते हैं आप, आपके आंखों के आगे है। तो इसका डिटेल ले लेते हैं भैया, कब का है? और ये 2015 का है। 2015 का ये हम लोग को 1,00,000 फिक्स चाहिए विदाउट पेपर्स। विदाउट पेपर 1,00,000 फिक्स चाहिए 2015 का है। बाकी कंडीशन आपके आंखों के आगे है। फाइनेंस इसका भी हो जाएगा, फाइनेंस इसका भी हो जाएगा। तो अगला गाड़ी लेके चलते हैं आपको अगले गाड़ी की ओर। तो फिर से अगला है हम लोग के पास है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जीप एक्सएल टाटा का। ये भी काफी वेल मेंटेन कंडीशन है। थोड़ा धूल लगा हुआ है, रास्ता के पास शोरूम होने के कारण काफी धूल उठता है। गुवाहाटी का सिटी का आपको पता है कंडीशन, इस कारण से काफी धूल लगा हुआ है। लेकिन ये जब आप लेने आएंगे तो वॉश करके मिलेगा। विद जो भी आप प्राइस बोल रहे हैं भैया, विद डॉक्यूमेंट इंक्लूड करके बोल रहे हैं या छोड़ के? विद डॉक्यूमेंट इंक्लूड, डॉक्यूमेंट। और जिसका डॉक्यूमेंट फेल है वो ऑलरेडी वीडियो पे आपको बोला गया है। तो इसका डिटेल ले लेते हैं भैया से। तो कब का होगा भैया ये? 2016 का है। 2016 का 135 ऑल डॉक्यूमेंट अपडेट है ना? करके दे देंगे, ऑल डॉक्यूमेंट अपडेट है। और रिफाइनेंस हो जाएगा ये गाड़ी? रिफाइनेंस भी हो जाएगा। और रिफाइनेंस हो जाएगा तो 30 से 40% आप पकड़ लीजिए। कितना बोला था भैया इसका आस्किंग? 135 बाकी कंडीशन देख लीजिए काफी अच्छे तरीके से। बाकी कंडीशन देख के एवरीथिंग आपके बजट अनुसार आके ले जाइए, क्योंकि यहाँ पे सभी गाड़ी काफी रिजनेबल रेट पे है। तो आपको पर डिपेंड करता है कौन सा गाड़ी आपको चाहिए, भैया से कांटेक्ट कीजिए। एड्रेस मैं आपको दे दिया हूँ, तो आप आके ले सकते हैं। बाकी इसका डिटेल जान लेते। तो कब का है भैया और आस्किंग कितना है इसका? ये 2013 का है, महिंद्रा मैक्सिमो प्लस। गाड़ी में कागज का थोड़ा खर्चा है, विदाउट पेपर्स हम लोग इसको देंगे 65,000 फिक्स। पेपर में जो भी खर्चा आएगा वो आए जो लीगल आएगा, लीगल आएगा आएगा। बाकी अराउंड आपका पकड़ लीजिए पेपर में 50 तक आ सकता है, 50 के भीतर ही होगा। बाकी ये फाइनेंस होगा ये गाड़ी? ये गाड़ी फाइनेंस नहीं। कब का बोला ये आप? ये 2013 का है। 2013 का फाइनेंस नहीं होगा। बाकी कंडीशन आपके आगे है। बॉडी में थोड़ा खर्चा है, बॉडी में कमर्शियल में रहता ही है। ये अगर पैसा देगा तो आप काम करके दे देगा ना? तो बॉडी का कोई भी डेंटिंग पेंडिंग का काम है वो भी यहाँ हो जाएगा, भैया से कॉन्टेक्ट करना होगा। तो चलिए अगले गाड़ी को लेकर, अगला गाड़ी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये है ACEX टाटा का। टाटा का भैया ये छोटा हाथी बोल सकते हैं आप इसको। तो इसका डिटेल ले लेते भैया, कब का होगा ये? ये 2013 का है। हाँ, इसमें पेपर्स वगैरह काम है इसको। ये भी हम लोग को विदाउट पेपर्स 1,00,000 रुपए चाहिए। 1,00,000 रुपए चाहिए। कब का होगा ये? 2013 का है। तो फाइनेंस तो नहीं होगा? फाइनेंस नहीं होगा, फाइनेंस नहीं होगा। बाकी कंडीशन आपके आंखों के आगे अच्छे से देख लीजिए। और अगर कोई चाहता है भैया कि मतलब जैसे मैं तो जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, रेट क्या है इसका, मतलब क्या क्या है एक्चुअली, बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आप मतलब अगर कोई चाहेगा आके मैकेनिक से टेस्ट करा सकता है, मैकेनिक लाके पूरा वेरीफाई कर सकता है गाड़ी को अच्छे से। तो आपको अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप अपना मैकेनिक लाइए, अच्छे से चेक करा लीजिए। बाकी मीटर टेम्परिंग जो भी होता है, मैकेनिक को काफ़ी अच्छा नॉलेज है, उससे अच्छे खासे चेक करा लीजिए। जब आपको लगेगा कि गाड़ी फुल्ली ओके है तो आप लेके जा सकते। तो फिर काफ़ी सारे एसी आपको दिखा दिया जीप। ये भी है एक काफी वेल मेंटेन कंडीशन में, काफी नया कंडीशन पे। तो इसका डिटेल ले लेते भैया, कब का होगा ये? 2020 का है। 2020 रिसेंट है, करीब 1.5 साल चल रहा है ये गाड़ी का। तो क्या है इसका आस्किंग? इसका हम लोग फिक्स मांग रहे हैं 1,20,000 विदाउट पेपर्स। विदाउट पेपर्स मतलब डॉक्यूमेंट थोड़ा बहुत फेल है, थोड़ा बहुत फेल है, 1,20,000 आप मांग रहा है। अगर आप बोलेंगे तो डॉक्यूमेंट अपडेट करके भी आपको मिल जाएगा। खर्चा अलग से आएगा, खर्चा अलग से आएगा। और फाइनेंस हो जाएगा? हाँ, फाइनेंस भी हो जाएगा। प्लस आप लोग क्या पेंडिंग है डॉक्यूमेंट्स और वाहन में मार के आप लोग चेकअप कर सकते हैं। हाँ, वाहन ऐप काफी अच्छा फैसिलिटी दिया है भारत सरकार ने। वहाँ पे जाके आप इजीली आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं गाड़ी का। बाकी व्हीकल नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगले गाड़ी की ओर लेके चलते। इसे आपको ऑरेंज जीप पे लेके आया, काफी कलर वेरियंट पे लेके आया। बाकी नंबर प्लेट देख सकते हैं आप, यहाँ पे है, चेक कर सकते हैं आप। तो इसका डिटेल ले लेते हैं हम भैया से, कब का होगा भैया ये? 2017 का है। 2017 का ये हम लोग को 1,00,000 रुपए चाहिए फिक्स विदाउट पेपर्स। विदाउट पेपर 1,00,000 फिक्स चाहिए। बाकी फाइनेंस हो जाएगा ना 2017 का? बाकी देख सकते हैं आप टायर का कंडीशन और गाड़ी का कंडीशन आपके आंखों के आगे। तो इतने ही है भैया अभी बस अगर तो
अगर मतलब जो स्टॉक है आपका इससे बाहर का कोई गाड़ी चाहिए तो हम लोग ट्राई करते हैं कस्टमर का डिमांड पूरा करने के लिए, अरेंज हो जाएगा। अगर मतलब जैसे अगर कोई बोला कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए तो कितना मतलब टाइम ड्यूरेशन के अंदर? टाइम बोल नहीं सकता, कभी दो दिन में होता है, कभी एक हफ्ता भी लग जाता है, कभी महीना, डिपेंड करता है। तो आप भैया के नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और बाकी कुछ भी जो गलती मेरे से होता है तो प्लीज कॉमेंट कीजिए कौन सा पार्ट आपको गलती लगा, कहाँ लगा कि सुधार होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर कोशिश करूंगा कि वो चीज़ अच्छे से कर पाऊं और आपको अच्छा लगे। बाकी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बाकी शेयर कर देना जिसको भी कमर्शियल गाड़ी चाहिए, आपके फ्रेंड्स हो गया, कोई भी रिलेटिव हो गया तो उनके तरफ ये वीडियो पहुंच जाएगा, तो उनको छोटा सा एक हेल्प हो जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फिर से कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई लोग, और शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय आई अखोम एंड जय गोरखा।